आपके पिछले लेक्चर से मैं सवाल करूंगा। आई रिमेंबर लास्ट टाइम अराउंड आपने जब कहा था कि एक क्वेश्चन आया था कि नमाज के अंदर अल्लाह ताला के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना वो फ़ील, वो कनेक्शन, वो एक औरा नहीं होता। तो आपने कहा था कि नमाज में थोड़ा सा तोल दे दें, थोड़ा सा तूल कर दें, थोड़ा सा कुछ सेकंड प्रोलॉन्ग दे दें हर रुकू में, हर सजदे में। इस तरह मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ट्राई करता आ रहा हूँ, वो चीज़ बन नहीं पा रही। शायद मैं अकेला हूँ या शायद मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए नमाज में ऊपर वाले से कोई और आप चीज़ ऐड करना चाहें? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। उसमें देखिए दूसरी चीज़ आप फिर ये ऐड कर लीजिए कि नमाज के सारे अस्कार को उर्दू में बदल लें, अपनी जो भी ज़बान है पंजाबी उसमें बदल लें, जो भी उसको पर्सनल कर लें। यानी अब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपका कोई ओरा ओरा बन रहा है ना इस वक्त, तो तवज्जो मेरी तरफ हो गई ना, हो गई, इसलिए कि आप बात कर रहे हैं। और या मैं जिस वक्त तकरीर कर रहा था अगर मैं फ्रेंच बोलना शुरू कर देता तो कितनी देर आप फोकस रहते? नहीं रह पाते। तो ज़बान बदल लें। हमारे यहाँ ये बड़ी एक गलत फहमी हो गई है कि नमाज के अंदर अरबी ही बोली जाती। हुजूर अपनी पादरी ज़बान में गुफ्तगू करते थे अल्लाह ताला से। जितने भी अस्कार हैं, यानी नमाज के अस्कार ख़त्म हो जाते हैं क़याम के साथ ही, जो मुतय्यन है। बाकी तो अमाल के मौके पे अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अस्सलाम वालेकुम, ये हैं जो फ़िक्स हैं। लेकिन क़याम में जो क़िरत है वो आखिरी हुक्म है जो अरबी ज़बान में करना चाहिए। उसके बाद आप रुकू में जाके अपनी ज़बान में अल्लाह से कहते हैं मैं कैसे हैं आप, ठीक है फ्रेंकली बात करें अल्लाह में से। तो उसमें जब आप देखेंगे जैसे फ्रैंकली गुफ्तगू शुरू करेंगे तो आप फ़ौरन कनेक्ट हो जाएंगे।